सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। शादीशुदा जोड़े के बीच जीवन भर नहीं होगी तो तू मैं पत्नी अगर करे यह उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी राशियों से जुड़े ग्रह हमारे जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। इन ग्रह दशाओं के कारण ही जीवन में खुशियां और दुखों की स्थिति बनती है। कई बार दाम्पत्य जीवन में आने वाले कलह की वजह भी इन्हीं ग्रहों की दशाओं में आने वाला परिवर्तन ही होता है। परिवार में कई बार बरकत की कमी और तंगी का कारण बनती है। अब जब नए साल पर सभी लोगों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की है तो ऐसे में आप भी अपने दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत करें। इसके लिए हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं जिनसे आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों और सुख समृद्धि से भर जाएगा। ये बात तो सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ साफ सफाई और प्रेम होता है। इसलिए आप भी अपने पूजा घर की अच्छी तरह से सफाई करें। आप चाहे तो हवन या सत्यनारायण की कथा भी करा सकते हैं। शुक्रवार के दिन पति पत्नी एक साथ मिलकर पुष्प की खरीदारी करें। इसके लिए आप गुलाब या फिर सफेद रंग के फूल ही खरीदें। इन फूलों को आप अपने बेडरूम में लगाएं। इस उपाय से पति पत्नी के बीच मतभेद खत्म होते हैं। आप घर में जब भी साफ सफाई करें तब पोछा लगाते समय उस पानी में गौमूत्र, फिटकरी और नमक मिला दें। इससे घर में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और पति पत्नी के बीच प्रेम में वृद्धि होती है। आप साल के प्रारंभ से ही अपने घर में किसी न किसी मौके पर पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। आप इसके लिए किसी ज्योतिष की सलाह से अपनी राशि के अनुसार पेड़ पौधों का चयन कर सकते हैं और अपने घर में लगाएं। ग्रह नक्षत्र से जुड़ी वनस्पति लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती लाने के लिए बेड के चारों कोने में चांदी के चौकोर टुकड़े लगाएं। इसके साथ ही पति चांदी का छल्ला और पत्नी सोने का छल्ला धारण करें। इससे आपसी सामंजस्य स्थापित होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।